पुरातत्व संग्रहालय थानेसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुलने का समय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे, संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ कुरुक्षेत्र। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है शेख चिली का मकबरा। तो आज मैं आई हूँ कुरुक्षेत्र के शेख चिली के मकबरे में। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ शेख चिली के मकबरे के अंदर। तो हम आ चुके हैं शेख चिली के मकबरे के अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पर दृश्य बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके तीनों साइड बहुत हरियाली है और इसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। तो चलो अब हम चलते हैं ऊपर। अब हम आ चुके हैं शेख चिली के मकबरे के बिल्कुल ऊपर। इसका निर्माण काफ़ी बारीकी से ध्यान रखते हुए ईंटों के प्रयोग से किया गया है। उसके ऊपर संगमरमर के डिज़ाइन बाउंड्री वॉल बनाई गई है। इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। अपनी अनूठी और सुंदर वास्तुकला के लिए इस इमारत को ताजमहल के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। जिस मकबरे की हम बात कर रहे हैं वो खासी कलाकार का नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु सूफी संत अशरत शेख चिली का है, जो सूफी संप्रदाय के ईरानी संत थे, जिनका नाम अब्दुल और रहीम था, जिनको शेख चिली के नाम से भी जाना जाता था। इमारत में 9 मेहराबे और 12 छतरियां हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक गुफा है जिसके अंदर 6 कब्र हैं, उनमें से एक शेख चिली की है। बाकी की 5 किसकी हैं इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। दोस्तों, आप यहाँ कभी भी कुरुक्षेत्र आए तो यहाँ आना मत भूलना। यहाँ काफ़ी अच्छे सेल्फी पॉइंट हैं, यहाँ से आप अच्छी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी सारी जेल बनाई गई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में बताइएगा कि अगली वीडियो कौन से स्थान पर बनानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।